दोस्तों, अक्सर जंगल की दुनिया में जंग मौत पर खत्म होती है। जब दो खतरनाक जंगली जानवर आपस में भिड़ते हैं तो निश्चित ही किसी एक की मौत पक्की होती है। अक्सर ही जंगल में एक ताकतवर जानवर किसी कमजोर जानवर का शिकार करने के लिए उस पर हमला करता है। मगर क्या हो जब दो ताकतवर और जंगल के सबसे खतरनाक जानवर आपस में भिड़ जाए? दोस्तों, जब जंगल के दो खतरनाक शिकारी जानवर एक दूसरे से भिड़ते हैं तो एक दूसरे से जंग जीतने की कोशिश में अपनी जान को दांव पर लगाना पड़ता है। ऐसे में एक शिकारी जानवर भी किसी अन्य जानवर का शिकार बन जाता है। सोचिए जरा, जब जंगल के दो खूंखार शिकारी जानवर एक दूसरे के आमने सामने आ जाए तो क्या होगा? चलिए आपको बताते हैं आज के इस वीडियो में। जब दो शिकारी जानवर एक दूसरे से भिड़ जाए तो कौन जीतेगा और किसको अपनी जान गंवानी पड़ेगी? वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। नंबर 1, आइनस वर्सेस लेपर्ड। एक तरफ जंगल का राजा शेर, मजबूत शरीर और तेज धारदार वाले पंजे, एक लंबी सी पूंछ के साथ एक शेर किसी राज्य के राजा जैसा ही लगता है। शेर जिसे साहस का प्रतीक माना जाता है और जिसे जंगल का हर जानवर दहशत खाता है। जंगल के हर जानवर को शेर आसानी से मात दे सकता है। यहाँ तक कि शेर की प्राइड किसी हाथी जैसे विशाल जानवर को भी धराशाही कर सकती है। लेकिन शेर को ललकारने वाला कोई और नहीं, शेर की ही फैमिली से ताल्लुक रखने वाला तेंदुआ है। दोस्तों, इस क्लिप में आप देख सकते हैं कि किस तरह से तेंदुआ जंगल के राजा शेर के बच्चे को अकेला पाकर उसे अपने दोपहर का भोजन बनाने के फराक में रहता है। मगर जंगल की ये शेरनियां भला कैसे अपने बच्चे को खतरे में डाल सकती हैं? जैसे ही इस तेंदुए को पता चलता है कि उसके आसपास खतरा मंडरा रहा है तो ये तेंदुआ भी यहाँ से निकल लेने में ही अपनी भलाई समझता है। सोचिए, अकेले तेंदुए के भला इन चार शेरनियों को बस में करना? आखिर ये तेंदुआ अपनी जान बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ता है। नंबर 2, लायन वर्सेस टाइगर। दोस्तों, वैसे तो किसी बाघ और शेर की लड़ाई के बारे में कोई अधिक वीडियो नहीं मिलती है क्योंकि ये दोनों ही जानवर अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाते हैं। फिर भी अगर बात की जाए इनके शरीर की तो एक शेर 400 से 500 पाउंड तक भारी होता है, वहीं एक बाघ का वजन 600 पाउंड का होता है। दोनों ही जानवर के लिए अपने शिकार को जख्मी करने के लिए शेर और बाघ में तुलना की जाए तो शेर अधिक ताकतवर और खूंखार होता है, हालांकि एक बाघ भी कुछ कम नहीं होता। यहाँ इस क्लिप में आप देख सकते हैं कि किस तरह ये शेर और बाघ एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। दोनों ही जानवर अपने क्षेत्र में सबसे खूंखार शिकारी हैं और कोई अन्य जानवर इन शिकारियों के सामने आने तक की हिम्मत नहीं करता। यहाँ शेर और बाघ आपस में लड़ रहे हैं और पीछे बैठी हुई ये शेरनियां दोनों जानवरों की खूंखार भिड़ंत का मजा ले रही हैं। शेर अपने पिछले पैरों पर खड़ा होकर बाघ को पीछे धकेलने की कोशिश करता है तो वहीं बाघ का शुरुआती दाव होता है अपने शिकार की गर्दन को जकड़ने का, और यहाँ भी ये बाघ शेर की गर्दन को दबोचने की कोशिश करता है। यहाँ ये वीडियो चाइना के जू का है। ये शेर तकरीबन 60 पाउंड का भारी भरकम शरीर वाला व्यस्क शेर है। हालांकि जू वालों का कहना है कि टाइगर और शेर की उम्र एक ही थी। उस लड़ाई में कौन हारा और किसकी जीत हुई ये कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जब दो शिकारी जानवर एक दूसरे से भिड़ते हैं तो वह भिड़ंत रोचक हो जाती है। नंबर 3, कूगा वर्सेस ब्लैक बियर। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि कूगर किसे कहते हैं तो आपको बता दें कि कूगर अमेरिकी तेंदुआओं की एक प्रजाति है। तेंदुआ में सबसे तेज दौड़ने वाले कूगर ही होते हैं। दोस्तों, किसी भी जंगली जानवर की सबसे बड़ी गलती होती है जब वह किसी अन्य शिकारी जानवर के इलाके में उन्हीं के बच्चों का शिकार करने के लिए चला जाता है। लगता है इस ब्लैक बियर को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है, इसलिए एक खूंखार तेंदुए के बच्चे को अपना शिकार बनाने के लिए आ गया है। दोस्तों, ब्लैक बियर कुछ भी खा लेते हैं, वह शाकाहारी पौधों से लेकर भूख लगने पर किसी अन्य जीव का मांस भी खा जाते हैं। एक औसत ब्लैक बियर का वजन 600 पाउंड होता है। हालांकि सबसे भारी ब्लैक बियर 900 पाउंड का भी देखा जा चुका है। बहुत ही जल्द इस ब्लैक बियर को अपनी गलती समझ आ जाती है। ये ब्लैक बियर इस कूगर से बचने के लिए पेड़ पर चढ़ जाता है। हालांकि ये कूगर किसी भी हालत में इस ब्लैक बियर को जाने नहीं देना चाहता। कूगर बार बार ब्लैक बियर पर दहाड़ता है और हमला करने की कोशिश करता है, वहीं ब्लैक बियर भी अब जवाबी हमले करना शुरू कर देता है। नंबर 4, जगुआर वर्सेस कैमन एलिगेटर। दोस्तों, एक जगुआर और कैमन एलिगेटर की लड़ाई कौन जीतेगा? ये जगुआर मौका देखकर इस कैमन पर हमला कर देता है।
जरा देखिए किस तरह ये जगुआर दूर से अपने शिकार को ताक रहा है। और जैसे ही मौका मिलता है ये जगुआर एक लंबी छलांग लगाता है और सीधा पानी में अपने शिकार पर झपट पड़ता है। ये जगुआर अपने शिकार को बचकर निकलने का एक भी मौका नहीं देता। जरा देखिए कैसे ये जगुआर अपने शिकार को उसकी गर्दन से पकड़कर पानी से बाहर ले आता है। ये कैमन अब हार मान चुका है और यहाँ हम कह सकते हैं कि एक खूंखार जगुआर किसी भी कैमन पर भारी पड़ सकता है, जैसा कि इस वीडियो में आपने देखा। नंबर 5, टाइगर वर्सेस स्लॉथ बियर। दोस्तों एक मां कितनी ताकतवर हो सकती है इस बात का अंदाजा आप इसी क्लिप में लगा सकते हैं, जिसमें एक मां अपने बच्चे को बचाने के लिए जंगल के सबसे खतरनाक और खूंखार जानवर बाघ तक से भिड़ने को तैयार रहती है। जरा देखिए कैसे इस क्लिप में ये बाघ इस स्लॉथ बियर के बेबी को अपना भोजन बनाना चाहता था, मगर शायद इसका पाला गलत जगह पड़ गया। इस बाघ को मुंह की खानी पड़ी। ये बढ़ंत भारत के तदोबा नेशनल पार्क में हुई थी, जिसमें ये बाघ घात लगाकर इस बियर के बच्चे को अपना शिकार बनाने की फिराक में था। ये बियर अपने बच्चे के साथ पानी की तलाश में इस जंगल में घूम रही थी कि तभी ये बाघ इनके रास्ते में टांग अड़ाने के लिए आ जाता है। इस भालू के बच्चे को अपना शिकार बनाने की फिराक में रहता है। हालांकि ये मादा भालू इस जंगली बाघ से अपनी जान की परवाह किए बगैर ही भिड़ जाती है। ये लड़ाई काफी इंटेंस लग रही है दोस्तों। हालांकि ये भालू इस बाघ के शिकार से बच निकलने में कामयाब रहा, क्योंकि बियर की त्वचा काफी मोटी होती है। एक स्लॉथ बियर 200 पाउंड तक के वजन का होता है, जबकि एक बाघ का वजन लगभग 700 पाउंड तक का होता है। लेकिन जब बात बच्चे की हो तो वजन से क्या ही फर्क पड़ता है ना? क्योंकि कोई भी माँ ये कैसे बर्दाश्त कर सकती है कि उसके बच्चे पर कोई आंच आए। यही कारण था कि इस मादा स्लॉथ बियर ने अपने से बड़े और ताकतवर बाघ पर बिना सोचे समझे जवाबी हमला कर दिया और साहस के साथ इस बाघ का सामना किया और अपने बच्चे की जान बचाई। दोस्तों जब दो जंगली जानवर एक दूसरे से आमना सामना करते हैं तो ऐसी स्थिति में किसी एक जानवर की हार होना लाजमी है। इस लड़ाई में सबसे ताकतवर जानवर जीत जाता है और कमजोर जानवर की हार होती है। हालांकि हमेशा ऐसा नहीं होता। एक खतरनाक खूंखार और ताकतवर जानवर भी मात खा सकता है। अगर कोई भी कमजोर जानवर ताकत और बल के साथ साथ बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करे। भालू और टाइगर की लड़ाई में हमें ये बात साबित हुई। जंगल की दुनिया अनोखी है। यहाँ कोई भी जानवर किसी भी का शिकार कर सकता है और कई बार अपने से ज्यादा ताकतवर जानवर के हाथ शिकार भी बन सकता है। दोस्तों अगर आपको जंगल की ये दुनिया रोचक लगती है तो जरूर वीडियो को आपने पसंद किया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इस तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। दोस्तों आपको स्क्रीन पर दो और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।